रुको, इस वीडियो को स्किप ना करो। अगर आप एक हेयर ड्रेसर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको मैं 20 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होंगे, या आपको क्वेश्चन तो पता होंगे लेकिन उसके आंसर नहीं पता होंगे। तो आज मैं आपको टोटल 20 ऐसे हेयर ड्रेसिंग के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें से 10 क्वेश्चन के मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, और 10 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना। ये आपके लिए एक चैलेंज होगा, यानी 10 क्वेश्चन के आंसर तो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बाकी 10 क्वेश्चन के आंसर याद रखिए आपको नीचे कमेंट्स करके बताना, और आज का चैलेंज हमारा यही है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे ऐसे ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और एक बात, आप हमें टिप्स के लिए या नॉलेज के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी हम अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो डालते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज का ये क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, जिसमें से याद रखिए 10 क्वेश्चंस और उसके आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, और बाकी के 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे मुझे कमेंट्स करके बताने हैं, और यही आपका आज का चैलेंज होगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी क्लाइंट के हेयर कलर के बाद डैमेज हो चुके, तो ऐसे क्लाइंट के लिए आप कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट सजेस्ट करोगे जिसमें आपको आइनिंग नहीं करनी। याद रखिए, ऐसी कोई ट्रीटमेंट आपको क्लाइंट को सजेस्ट करनी है जिसमें आपको क्लाइंट को आइनिंग नहीं करनी है, और उनको बालों को अच्छा या मेंटेन रखना है। यहाँ उनको याद रखिए, क्लाइंट को स्ट्रेट लुक नहीं चाहिए, उन्हें बालों को हेल्थी रखना है। तो आप ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट क्लाइंट को सजेस्ट करोगे? तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा दो ऑप्शंस। एक है शॉस्कॉफ ब्रांड की फाइबर क्लिनिक ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट आपके लिए बालों के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी है, ये आपके बालों को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, बालों को हेल्थी भी बनाती है। वैसे दूसरी है लॉरियल की मेटल डीएक्स ट्रीटमेंट, आप ये ट्रीटमेंट भी क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो हेयर कलर के बाद, अगर उनके हेयर कलर के बाद बाल हल्के से ड्राई या डैमेज लग रहे हैं और उन्हें कोई भी आयन बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करनी, जैसे कि केराटिन, बोटॉक्स वगैरह वगैरह। याद रखिए ये क्वेश्चन। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, अब वो देख लेते हैं हम। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है केरा स्मूथ ट्रीटमेंट पर, यानी किसी क्लाइंट ने स्मूथिंग के साथ केराटिन ट्रीटमेंट करवाई है और उन्हें आपको होम केयर में शैम्पू सजेस्ट करना है, शैम्पू और कंडीशनर। तो आप केराटिन का शैम्पू कंडीशनर सजेस्ट करोगे क्या स्मूथनिंग का, क्योंकि आपने दोनों ट्रीटमेंट करवाई है? तो यहाँ पर आंसर है, देखो आपने लास्ट पहले आपने स्मूथनिंग करवाई, उसके बाद केराटिन ट्रीटमेंट को, यानी आपकी जो लास्ट ट्रीटमेंट थी वो केराटिन थी, तो आपको हमेशा केराटिन का ही शैम्पू और कंडीशनर, दैट इज सल्फेट फ्री केराटिन का शैम्पू और कंडीशनर आपको क्लाइंट को होम केयर में सजेस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर कलर के रिलेटेड, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि रूट शैडो हेयर कलर टेक्निक के बेनिफिट क्या है। तो याद रखिए, सबसे पहले रूट शैडो मतलब क्या, आपको रूट्स को डार्क रखना है और लेंथ को लाइट कलर में रखना है, और हो सके तो आपको रूट्स को कलर नहीं करना है, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपके रूट्स वर्जिन हेयर जैसे रहेंगे, यानी वहां पर कोई कलर नहीं होगा तो वर्जिन रहेंगे, और आपका जो कलर होगा वो लेंथ पर लगेगा और रूट्स इससे आपके डैमेज नहीं होंगे, और आपके जो स्काल्प के अंदर जो आपका रूट्स रहते हैं यानी हेयर बल्ब रहता है, उस पर भी कलर नहीं लगेगा, तो आपका रूट्स हमेशा हेल्थी रहेगा। तो ये एडवांटेज है रूट शैडो टेक्निक का। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो भी क्लाइंट हेयर कलर करते हैं वो हो सके तो रूट शैडो टेक्निक का यूज करें। तो रूट शैडो में भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, आप कोई भी अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर सकते हो, सिर्फ याद रखना है आपको रूट्स को कलर नहीं करना। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है हेयर स्पा के रिलेटेड, यानी अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट सलून में आती है हेयर स्पा के लिए, तो हेयर स्पा में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को स्टीम भी सर्विस, स्टीम की भी सर्विस पढ़ने आप हेड को स्टीम देते हो। तो स्टीम से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है जो आप क्लाइंट को स्पार्क सर्विस के साथ दे सकते हो, और वो है अल्ट्रासोनिक आयन। आप स्टीम के बदले आप क्लाइंट को अल्ट्रासोनिक सर्विस का यूज़ करें तो उससे उनके बाल हेल्थी भी रहेंगे और प्रोडक्ट बालों के अंदर अच्छी तरह प्रिंटेड भी होगा।
आपको क्या करना है याद रखिए, आपने स्पार्क का क्रीम का एप्लीकेशन होने के बाद हम जनरली मसाज करते हैं और मसाज करने के बाद स्टीम देते हैं, तो आपको स्टीम के बदले बालों पर अल्ट्रासोनिक आयन मशीन यूज करनी है। ये मशीन का एडवांटेज ये है कि ये प्रोडक्ट को स्काल्प के सॉरी बालों के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट भी करती है और जिसकी वजह से आपको स्पार्क का रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो ये जो आप रेगुलरली स्टीम देते हो, ये स्टीम अब पुरानी टेक्निक हो गई, आज की लेटेस्ट टेक्निक या मॉडर्न टेक्निक है अल्ट्रासोनिक आयन मशीन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, वो है सीरम और आपका जो मूज होता है ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिए, ये जो सीरम और मूज ये दोनों भी स्टाइलिंग के प्रोडक्ट है, लेकिन इनको यूज करने का तरीका अलग है। तो जनरली हम जो मूज यूज करते हैं इसे हम बेस प्रोडक्ट कहते हैं, यानी आप कोई भी स्टाइलिंग करने से पहले उस प्रोडक्ट को लगाते हो। इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट जो स्टाइलिंग के पहले लगाते हैं उसे हम कहते हैं बेस प्रोडक्ट, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो हम स्टाइलिंग करते वक्त लगाते हैं उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट, और तीसरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है फिनिशिंग प्रोडक्ट जो आप स्टाइलिंग के बाद लगाते हो। तो जनरली हम सीरम स्टाइलिंग के बाद लगाते हैं, तो सीरम जो होता है ये आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है, और याद रखिए जो आपका मूज होता है वो आपका बेस प्रोडक्ट है, आप स्टाइलिंग करने से पहले लगाते हो। वैसे तो प्रैक्टिकली बहुत सारे हेयर ड्रेसर सीरम को भी स्टाइलिंग के पहले लगाते हैं, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप सीरम को एंड में लगाओगे तो ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी बालों में आपको ज़्यादा शाइन भी कंपैरेटिवली पहले लगाने से मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए, स्टाइलिंग करने से पहले आपको मूज लगाना है और स्टाइलिंग होने के बाद आप सीरम लगा सकते हो, यानी सीरम ये आपका फिनिशिंग प्रोडक्ट हो गया और आपका मूज जो हो गया ये बेस प्रोडक्ट हो गया। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एमोनिया कलर या एमोनिया फ्री कलर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों आपके जो एमोनिया बेस कलर उसके अंदर का जो मेन केमिकल होता है उसे हम एमोनिया कहते हैं, और ये एमोनिया के दो फंक्शन है, एक तो क्यूटिकल को ओपन रखना या ओपन करना और हेयर को लिफ्ट भी करना, यानी ये दो काम करता है, यानी ये आपको डेवलपर को हेल्प करता है बालों के लेवल को लिफ्ट करने के लिए। और ये जो एमोनिया फ्री कलर होते हैं उसके अंदर एमोनिया के बदले एमईए नाम का केमिकल होता है जिसका फुल फॉर्म है मोनो इथेनॉल एमाइन, और ये भी एमोनिया की तरह काम करता है, लेकिन ये जितना अच्छी तरह एमोनिया क्यूटिकल को लिफ्ट करता है या ओपन करता है उतना ये लिफ्ट नहीं करता, ये ओपन नहीं कर पाता, और ये उतना एमोनिया उतना लिफ्ट भी नहीं देता। इसके लिए आप अगर देखोगे तो एमोनिया फ्री कलर में आपको लाइटर शेड्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको ज़्यादातर डार्कर शेड मिलेंगे, और ये उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे जितने आपके एमोनिया बेस कलर लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कलर चाहिए तो हमेशा एमोनिया वाले कलर यूज़ करें, और अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कलर नहीं चाहिए और आपको ज़्यादा लिफ्टिंग भी नहीं चाहिए तो उस केस में आप एमोनिया फ्री कलर यूज़ करें। और एक बात, अगर किसी को एमोनिया की एलर्जी या इचिंग का इश्यू होता है स्काल्प इचिंग का, तो उस केस में भी आप एमोनिया फ्री कलर यूज़ करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली मैं हाइलाइट्स की बात करूँ तो हाइलाइट्स के लिए मुझे लगता है एमोनिया फ्री कलर से ज़्यादा अच्छे एमोनिया बेस कलर होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाई लिफ्टिंग कलर पर। दोस्तों आपको पता है कि कलर दो टाइप के होते हैं, हम लोग जो फैशन कलर यूज़ करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके रेगुलर कलर जो आपको एक लेवल दो लेवल तीन लेवल या ज़्यादा से ज़्यादा चार लेवल तक लिफ्ट देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि कोई भी कलर आपको तीन लेवल से ज़्यादा लिफ्ट नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे कलर है जिन्हें हम कहते हैं हाई लिफ्टिंग कलर, ये आपको रेगुलर कलर से एक लेवल ज़्यादा लिफ्ट देते हैं, यानी अगर आपको सपोज मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 7.3 कलर, ये आपको तीन से चार लेवल तक का, मैं तो तीन लेवल का ही बात करूँगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देखा है कि कोई भी कलर आपको तीन लेवल से ज़्यादा मोस्टली लिफ्ट नहीं देते। लेकिन जो हाई लिफ्टिंग कलर है वो इससे एक लेवल आपको और ज़्यादा लिफ्ट देते हैं, यानी अगर आपको कोई कलर तीन लेवल लिफ्ट देता है तो वही अगर आप हाई लिफ्टिंग कलर यूज़ करोगे तो वो आपको चार लेवल भी लिफ्ट दे सकता है, और रेयरली आपको फाइव लेवल तक लिफ्ट मिलेगा, लेकिन चार लेवल तक तो आपको वो लिफ्ट ज़रूर देगा, और ये भी विदाउट एनी ब्लॉन्ड। अभी इसका रीज़न क्या है, ये इतना लिफ्टिंग क्यों देता है, उसका रीज़न है ये आपके रेगुलर कलर से ज़्यादा हाई लिफ्टिंग कलर में एमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एमोनिया ये लिफ्टिंग के लिए भी हेल्प करता है, तो इसके लिए हाई लिफ्टिंग कलर में एमोनिया ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से आपको नॉर्मल कलर से ज़्यादा लिफ्ट मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्यूरीफाइंग शैम्पू पर। दोस्तों क्या अगर मैं सपोज किसी हम लोग केराटिन करते हैं
तो केराटिन के पहले आपको पता है कि प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करना है। इसके लिए आप केराटिन के प्रोडक्ट लेते हो तो साथ में या पूरा सेट लेते हो तो आपको उसके साथ स्टार्टिंग में प्यूरिफाइंग शैम्पू मिलता है, आपको जो ट्रीटमेंट वाला प्रोडक्ट वो भी मिलता है और होम केयर के शैम्पू कंडीशनर भी मिलते हैं। लेकिन जब भी हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो स्ट्रेटनिंग के पहले या स्ट्रेटनिंग के साथ आपको ऐसा कोई किट मिलता है कि जिसमें आपको पहले शैम्पू, फिर ट्रीटमेंट, फिर न्यूट्रलाइजर, फिर होम केयर शैम्पू कंडीशनर? नहीं, आपको ऐसे नहीं मिलता है। इस और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे हेयर ड्रेसर शैम्पू जो है ना ट्रीटमेंट के पहले यानी स्मूथनिंग के पहले जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्यूरिफाइंग शैम्पू। और मुझे लगता है कि स्ट्रेटनिंग के पहले प्यूरिफाइंग शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप उसके बदले कोई रेगुलर या जो क्लाइंट को आप शैम्पू होम केयर में देने वाले हो या बैक वॉश के लिए जो शैम्पू है उसी शैम्पू से आप हेयर को वॉश करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि प्यूरिफाइंग शैम्पू क्या करता है, आपके बालों को थोड़ा सा और ज़्यादा ड्राई बनाता है। तो बहुत सारे हेयर ड्रेसर को ऐसे भी लगता है कि प्यूरिफाइंग शैम्पू आपके क्यूटिकल को ओपन करता है ताकि आपका स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का प्रोडक्ट अच्छी तरह पेंटेड हो। लेकिन स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट को प्यूरिफाइंग शैम्पू की ज़रूरत नहीं, वो खुद इतने केपेबल है कि खुद क्यूटिकल को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रेटनिंग से पहले आपको प्यूरिफाइंग शैम्पू से वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं। याद रखिए, आप रेगुलर बैक वॉश का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो या अगर आप चाहो तो जो क्लाइंट को आप होम केयर में शैम्पू देने वाले उस शैम्पू से भी वॉश कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हेयर कटिंग के रिलेटेड है और वो क्वेश्चन है कि ओ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, ओ डायरेक्शन मतलब बालों के डायरेक्शन को चेंज करना। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ के बाल लेता हूँ और इसको पीछे की तरफ ट्रैवल करता हूँ तो उसका नेचुरल फॉल तो यहाँ पर है लेकिन मैं इसको कहीं और ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसे हम कहते हैं ओ डायरेक्शन। यानी ओ डायरेक्शन मतलब बालों का जो नेचुरल फॉल है उस फॉल की जगह लेने के बदले उसको आप कहीं और ट्रैवल करते हो और काटते हो तो उस केस में उसे हम कहते हैं ओ डायरेक्शन। यानी अगर सपोज मैं फेस फ्रेमिंग एग्जांपल बात करूँ फेस फ्रेमिंग हेयर कट की, तो फेस फ्रेमिंग हम क्या करते हैं, पीछे के बाल जिनका नेचुरल फॉल पीछे की तरफ होता है लेकिन हम लोग काटते वक्त उसको आगे ट्रैवल करते हैं और आगे ट्रैवल करके काटते हैं तो इस केस में हम पीछे के बाल आगे की तरफ ओवर डायरेक्ट करते हैं। और ओवर डायरेक्शन का मतलब यही है कि बालों को आगे या पीछे ट्रैवल करना। तो यहाँ ओवर डायरेक्शन में बहुत अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि फ्रंट ओवर डायरेक्शन, यानी पीछे के बाल हम आगे ट्रैवल करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रंट ओवर डायरेक्शन। वैसे आगे के बालों को हम पीछे ट्रैवल करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक ओवर डायरेक्शन। वैसे ओवर डायरेक्शन टू प्रीवियस गाइडलाइन, ओवर डायरेक्शन टू विजुअल पेन, ऐसे ओवर डायरेक्शन टू स्टेशनरी गाइडलाइन, ऐसी कई तरह की ओवर डायरेक्शन की टेक्निक्स होती है और अलग अलग हेयर कट में हम अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं। जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो इसी के रिलेटेड है, दैट इज गाइडलाइन के ऊपर कि हेयर कट में अलग अलग तरह की कौन सी गाइडलाइन होती है। तो दोस्तों, इसके आंसर है टोटल तीन तरह की गाइडलाइन होती है। एक होती है आपकी स्टेशनरी गाइडलाइन, दूसरी होती है आपकी ट्रैवलिंग गाइडलाइन जिसे हम मोबाइल गाइडलाइन भी कहते हैं, और तीसरी जो गाइडलाइन होती है वो है ओ डायरेक्शन। यानी ओ डायरेक्शन भी एक तरह की गाइडलाइन ही होती है। तो आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि सपोज मैं फेस फ्रेमिंग हेयर कट यूज करता हूँ तो उसमें हम कौन सी गाइडलाइन यूज करते हैं। सेम वे अगर मैं स्क्वायर लेयर हेयर कट करता हूँ तो उसमें कौन सी गाइडलाइन यूज करता हूँ। उसी तरह सपोज मैं बॉक्स अपना बॉब हेयर कट करता हूँ तो उसमें कौन सी गाइडलाइन यूज करता हूँ, ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना। तो ये एक छोटा सा आपको चैलेंज है मेरी तरफ से और इसका आंसर याद रखिए आपको नीचे कमेंट्स करके बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेयर कलर के ऊपर अगेन, यानी प्रोग्रेसिव हेयर कलर क्या होते हैं और नॉन प्रोग्रेसिव हेयर कलर क्या होते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो हम जो डाई कलर यूज करते हैं वो प्रोग्रेसिव कलर होते हैं, या मेहंदी हम यूज करते हैं ये प्रोग्रेसिव कलर होते हैं। ये कलर क्या करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर एक आपका बाल लेता हूँ तो ये बालों के ऊपर एक एक लेयर या कोटिंग बनाती जाती है। यानी इसका मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो हमारे यहाँ का रोड रहता है तो गवर्नमेंट जब भी रोड बनाते हैं उसके ऊपर पूरा उसको स्ट्रेट लेवल बना देते, फिर कुछ महीनों के बाद उसमें गड्ढे आना चालू हो जाते, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर और एक लेयर चढ़ाती और उसको वापस लेवल करती, फिर वापस उसके ऊपर गड्ढे आना चालू हो जाते, फिर उसके ऊपर और एक लेयर बना के उसको स्ट्रेट करती। यानी धीरे धीरे अपना रोड का जो लेवल है वो ऊपर चला जाता है, ये पहली कोटिंग उसके ऊपर दूसरी कोटिंग उसके ऊपर तीसरी कोटिंग उसके ऊपर चौथी, वैसे कोटिंग के ऊपर कोटिंग होती रहती।
और ऐसे कलर को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव हेयर कलर। वेरेज अगर मैं नॉन प्रोग्रेसिव कलर की बात करूँ तो हमारे जो प्रोफेशनल कलर होते हैं ये नॉन प्रोग्रेसिव कलर होते, ये आपके बालों के ऊपर कोटिंग नहीं करते बल्कि बालों के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके प्रोग्रेसिव कलर और नॉन प्रोग्रेसिव कलर। प्रोग्रेसिव कलर क्या करते हैं, कोटिंग के ऊपर कोटिंग करते हैं, और नॉन प्रोग्रेसिव कलर कोटिंग नहीं करते बल्कि बालों के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं। तो ये डिफरेंस है प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव कलर के बीच में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो याद रखिए, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है और ये है सीजर के ऊपर। दोस्तों जैसे आपको पता हो कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जो लेफ्टी प्लेयर होता है बैट्समैन उसके लिए अलग ग्लोव्स होते हैं, यानी लेफ्टी लोगों के ग्लोव्स अलग होते हैं, राइटी लोगों के ग्लोव्स अलग होते हैं। वैसे ही हम जब भी हेयर कटिंग करते, क्या आपको पता है कि हमारी सीजर भी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी रेगुलर लेफ्ट राइट हैंडेड सीजर जो राइटी लोग यूज करते हैं, वैसे दूसरी होती है लेफ्ट हैंडेड सीजर जो लेफ्टी लोग यूज करते हैं। यानी अगर एक हेयर ड्रेसर राइटी है तो उसे हमेशा राइट हैंडेड सीजर यूज करनी है, और वही अगर एक हेयर ड्रेसर लेफ्टी है तो उसे लेफ्ट हैंडेड सीजर यूज करनी चाहिए। क्या आपको ये पता था? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हो, अगर ना है तो भी आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं कि ये मुझे हमें पता नहीं था। तो मैं अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंडेड सीजर यूज करता हूँ। आप लेफ्टी हो तो आप राइट हैंडेड के बदले लेफ्ट हैंडेड सीजर यूज करो तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट या ईजी हो जाएगा आपको हेयर कटिंग के लिए। सेम वे अगर आप राइट हैंडेड सीजर यूज करोगे और अगर आप लेफ्टी हो तो आपको उतना कन्वीनियंटली या स्मूथली आपको हेयर कट करने नहीं होगा। तो आप भी अगर एक लेफ्ट हैंडेड हेयर ड्रेसर हो तो आप लेफ्ट हैंडेड सीजर जरूर खरीदें। तो ये थे कुछ बेसिक 10 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पूछे और बताए और उनके आंसर भी आपको दिए। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए चैलेंज है और आपको इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। और याद रखिए ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार खुद देखे भी होंगे या फील भी किए होंगे कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको इसका आंसर शायद पता नहीं होगा। तो वो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब भी हम कलर बनाते हैं, समझो मैंने कलर लिया 8.3 और उसके अंदर मैं डेवलपर मिक्स करता हूँ और कलर देखोगे तो बाउल में कलर कुछ अलग दिखता है, और जब भी हम बालों पे लगाते तभी हमको प्रॉपर शेड मिलता है, ऐसा क्यों? यानी हम लोग को बाउल में सेम वैसा कलर नहीं मिलता, लेकिन वही आप रेड कलर लो या ग्रीन कलर लो या ब्लू कलर लो तो आपको देखो प्रॉपर जैसा बाउल में है वैसे ही दिखेगा। लेकिन ये जो फैशन कलर है ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, इसका रीजन क्या है ये आपको नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है स्मूथनिंग करते वक्त, आप जब भी स्मूथनिंग करते हो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्रीम लगाते हैं और क्रीम लगाने के आधे घंटे के बाद या विजुअल चेक के वक्त हम बालों को खींच के देखते हैं कि बॉन्ड्स ब्रेक हुए कि नहीं, और हम लोग को कैसे किस तरह समझ है बॉन्ड्स ब्रेक हुए कि नहीं, कि अगर बालों में वेव्स आ रहे तो बॉन्ड्स ब्रेक हुए कि नहीं हमें समझ लेता है। तो क्या हम बालों को जो अगर बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हमको चेक करना है तो वो ऐसे जिगजैग या मैगी नूडल जैसा शेप क्यों आता है, आपको मुझे ये नीचे कमेंट्स करके बताना है कि ये शेप ऐसा क्यों हो जाता है। शेप हमें स्ट्रेटनिंग के तो अगर एक्चुअली हमें वो शेप स्ट्रेट मिलना चाहिए ना, तो अगर ऐसे कर्व शेप में क्यों आता है, आपको मुझे ये कमेंट्स करके बताना है। ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कलर के रिलेटेड, कि जब भी हम कलर करते तो क्या हम कलर और ब्लेंडर को एक साथ मिक्स कर लगा सकते हैं या नहीं, अगर लगा सकते हैं तो क्यों या इसका रिजल्ट क्या होगा, और अगर हम लोग नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते, ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों ज़रूर आप नीचे कमेंट्स करो तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपका नॉलेज किस लेवल का या आपको नॉलेज में कितना लेवल का इम्प्रूवमेंट करना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है कलर के ऊपर, कि जब भी हम कलर करते, आपने सुना कलर में अमोनिया कलर होते हैं और अमोनिया फ्री कलर होते हैं, वैसे पीपीडी फ्री कलर क्या होते हैं ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। यानी याद रखिए जैसे आपके अमोनिया कलर होते हैं वैसे ही अमोनिया फ्री कलर भी होते हैं, वैसे हमारे कलर जो हम यूज करते हैं वो पीपीडी कलर भी होते हैं, वैसे ही पीपीडी फ्री कलर क्या होते हैं ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हम ऑक्सीडेटिव कलर यूज करते हैं, ऐसे कलर जिसमें हम डेवलपर यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लॉरेल के माजरेल के कलर लेते हैं तो ये, या मैट्रिक्स के आपके सो कलर लेते हैं, तो इन कलर में तीन मेन कौन से केमिकल होते हैं ये आपको नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना है। यानी कोई भी हम ऑक्सीडेटिव कलर यूज करते हैं ना, जो डेवलपर बेस कलर होते हैं उसमें
तीन मेन केमिकल कौन से होते हैं ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। और मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, आप कोई भी लॉरेल की ट्यूब ले लो या मैट्रिक्स की ट्यूब ले लो, उसके ऊपर आपको ये तीनों केमिकल के नाम मिलेंगे। आप प्रॉपर वहाँ ढूंढ के देखो, आपको तीनों केमिकल के नाम जरूर मिलेंगे। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट के ऊपर है ना, केराटिन ट्रीटमेंट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट में आपको क्या डिफरेंस है वो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। याद रखिए, केराटिन ट्रीटमेंट और बोटॉक्स ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, मिनिमम आप मुझे तीन डिफरेंस नीचे कमेंट्स करके बताओ कि केराटिन और बोटॉक्स में क्या है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन आपको मुझे सिर्फ तीन डिफरेंस नीचे कमेंट्स करके बताने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिफ्टिंग के ऊपर। जब भी हम कलर करें तो आपने सुना रहेगा कि 20 वॉल्यूम हमें एक से दो लेवल तक लिफ्ट देता है, 30 वॉल्यूम हमें दो से तीन लेवल तक लिफ्ट देता है, और 40 वॉल्यूम हमें तीन से चार लेवल तक लिफ्ट देता है। तो हम लोग एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, 40 वॉल्यूम हमें सिर्फ तीन लेवल तक लिफ्ट देता है। तो अगर एक क्लाइंट है उनके बालों पर सपोज मैं 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम डायरेक्टली लगाता हूँ विदाउट कलर मिक्सिंग, तो क्या मुझे तीन से चार लेवल तक का लिफ्ट मिलेगा, हाँ या ना, नीचे आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं अगर डायरेक्टली डेवलपर बालों पर लगाता हूँ तो क्या मुझे लिफ्टिंग मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो क्यों मिलेगी, अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, ये भी मुझे आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। आपको रीजन के साथ बताना है कि आपको लिफ्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्यों मिलेगी या क्यों नहीं मिलेगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट और नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। मुझे सिर्फ आप नीचे तीन डिफरेंस बताओ कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट और नैनोप्लास्टिया में क्या डिफरेंस है। ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी अगेन है लास्ट क्वेश्चन कलर के लिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। अगर सपोज मेरे क्लाइंट के हेयर तीन नंबर के और उन्हें नौ नंबर का कलर बालों पे हाईलाइट्स करें नौ नंबर के, तो हमने देखा है प्रैक्टिकल तीन नंबर के बालों पर नौ लेवल की हाईलाइट करनी है तो हमें हमेशा बालों को प्रीलाइट पहले करना होगा। लेकिन अगर मैं प्रीलाइट के बदले कुछ दिमाग चलाता हूँ, सपोज मैं करता हूँ तीन नंबर के बाल 40 वॉल्यूम से पहले उस पर छः नंबर का कलर करता हूँ, तो तीन नंबर का बाल हमारा 40 वॉल्यूम से तीन लेवल तक लिफ्ट होकर आपको छः नंबर का रिजल्ट मिलेगा। और उसी बालों को अगेन मैं 40 वॉल्यूम लेके नौ नंबर का कलर करता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट ब्लॉन्डर मैं नौ नंबर का रिजल्ट पा सकता हूँ, यानी मैंने दो बार 40 वॉल्यूम से बालों को लिफ्ट करता हूँ और फिर मुझे नौ नंबर का रिजल्ट मिलेगा, इज इट पॉसिबल या नहीं पॉसिबल, ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना। पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं, ये आपको नीचे याद रखिए कमेंट्स करके बताना। और मुझे लगता है ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे उसमें सबसे प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप इस क्वेश्चन का तो एटलीस्ट मुझे आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें विथ रीज़न। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप चाहो तो नीचे मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज और वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप हमें फॉलो करते हो तो हमें और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहता है। तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर भी। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।